दोस्तों, हमेशा की तरह हम फिर से हाजिर हैं आपके लिए एक ऐसी दिल छू लेने वाली कहानी को लेकर, जिसका ट्विस्ट देखकर आप एकदम शॉक हो जाओगे। जैसी इस मूवी की शुरुआत है, इसका एंड उतना ही शॉकिंग एंड इमोशनल है। तो चलिए बिना देरी किए अब चलते हैं सीधा मूवी की ओर, जिसका नाम है माय सन। और अगर सच में आपको ये कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो कहानी की शुरुआत में हम एक जेल को देखते हैं, जहां कुछ ऑफिसर्स आकर कैदियों से बातचीत करते हैं। दरअसल ये वो कैदी होते हैं जो खुद में सुधार करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, और उनको उनकी सजा के अकॉर्डिंग एक दिन का पेरोल दिया जा रहा था, जिसमें वो अपने परिवार से मिल सके, और इस दौरान उनके साथ एक ऑफिसर भी रहेंगे। हम देखते हैं कि कुछ कैदी यहाँ मर्डर कर आए हुए हैं, तो कुछ चोरी और डकैती करके। यहाँ किसी को कुछ साल की सजा काटनी है, तो किसी को उम्र कैद, तो किसी को मौत की सजा सुनाई गई है। यहाँ एक कैदी जिसे मौत की सजा दी गई थी, वो इस पेरोल के लिए अप्लाई नहीं कर सकता था। यहाँ वो कैदी कहता है कि मैं अपने परिवार से मिलना नहीं चाहता, बल्कि मैं उन माँ बाप से मिलकर माफी मांगना चाहता हूँ, जिनकी लाइफ से मैंने उनकी खुशियाँ, उनकी बेटी को छीन लिया। साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ कुछ कैदी तो ऐसे भी हैं जो कई सालों से यहाँ कैद हैं, और अब तो उनका परिवार भी नहीं रहा। किसी ने अपने माँ बाप को खो दिया, तो किसी ने अपने भाई और बहनों को, लेकिन उन्हें कभी किसी से मिलने का मौका तक नहीं मिला, और आज उन्हें अपनी की गई गलतियों के लिए पछतावा हो रहा है। खैर, ऑफिसर्स के सामने गैंगसिक नाम के एक कैदी आते हैं, जिन्होंने रॉबरी और मर्डर दोनों किए थे, और अब वो अपनी उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। लेकिन इस दौरान उनका जेल में बिहेवियर सबसे अच्छा था, इसलिए उन्हें इस पेरोल के लिए कंसिडर किया जा रहा था। ऑफिसर पूछती है कि आप कब से यहाँ हो। गैंगसिक कहते हैं 15 साल। ऑफिसर पूछती है कि घर पर आपका कौन इंतजार कर रहा होगा। वो कहते हैं कि मेरी बूढ़ी माँ और मेरा बेटा। मेरी बीवी से मेरा रिश्ता सालों पहले ही खत्म हो चुका है, पता नहीं मेरे बेटे ने ये 15 साल कैसे काटे होंगे। ऑफिसर पूछती है क्या अभी आप अपने बेटे को पहचान सकते हो। पहले तो वो हाँ कर देते हैं, लेकिन कुछ देर रुककर वो इमोशनल होते हुए कहते हैं कि वो कैसा दिखता था, उसकी आवाज़ कैसी थी, मुझे कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि यहाँ रहकर मेरी याददाश्त भी कमजोर हो गई है। बस मुझे इतना पता है कि वो अब 18 साल का हो गया होगा, क्या पता वो मुझे याद करता भी होगा या नहीं, मैंने उसकी लाइफ को बदतर बना दिया। इतना कहकर गैंगसिक अपने सेल में आ जाते हैं, जहां वो खुद से कहते हैं कि मेरी आंखें देखकर लगता नहीं कि मैं रोता हूंगा, लेकिन मैं हर रात रोता हूं, वो भी इतना कि अब आंसू भी सूख चुके हैं। खैर, गैंगसिक के ऐसे पोलाइट बिहेवियर को देखते हुए ऑफिसर उन्हें इस पेरोल के लिए चुनती है। अब अगले दिन ऑफिसर पार्क गैंगसिक को बाहर जाने से पहले अब सब कुछ बताते हैं, क्योंकि 15 सालों से गैंगसिक जेल में ही थे, और बाहर की दुनिया इन 15 सालों में पूरी तरह से बदल चुकी थी, जिससे वो पूरी तरह से अनजान थे। अब अगले सीन में हम जिन को देखते हैं, जो अपनी फ्रेंड को आकर बताता है कि एक लेटर आया है, मेरे फादर आ रहे हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो खुशी मनाए या दुख, क्योंकि उसके फादर तो आ रहे थे, लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए। साथ ही यहाँ हम देखते हैं कि जिन म्यूजिक में काफी माहिर है, और पूरी क्लास उसकी म्यूजिक की दीवानी है। उधर गैंगसिक भी अपने घर के लिए निकल जाते हैं। जब वो ट्रेन में होते हैं तो उनकी आंख लग जाती है, और जब आंख खुलती है तो वो खुद से कहते हैं कि मैं ऐसे सो नहीं सकता, मुझे इतने सालों बाद मौका मिला है बाहर की दुनिया देखने का, अपने बेटे को गले लगाने का, अपनी माँ से बातें करने का, वो भी सिर्फ एक दिन के लिए। अब जैसे ही वो अपने घर पहुँचते हैं तो उन्हें समझ नहीं आता कि ये उनका वही घर है जिसे सालों पहले वो छोड़कर गए थे। खैर, दरवाजे पर जाकर मिस्टर पार्क गेट को कई बार खटखटाते हैं, लेकिन कोई भी उस गेट को ओपन नहीं करता, और थोड़ा सा पुश करने से ही वो गेट खुल जाता है। अंदर आवाज देने पर वहाँ कोई नहीं आता। तभी सामने वो एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो टीवी देख रही थी। गैंगसिक अब उसके सामने घुटनों पर बैठकर कहता है कि माँ, मैं आ गया, आपका गैंगसिक आ गया माँ। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि उनकी माँ मेंटली बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी, उन्हें कुछ भी याद नहीं था, वो एक ही प्रोग्राम को टीवी पर बार बार देख रही थी। ये सब देखकर गैंगसिक बहुत दुखी होते हैं कि कैसे उनका बेटा सालों से इतना कुछ मैनेज कर पा रहा होगा। अब वो सोचते हैं कि उनका बेटा जरूर स्कूल में होगा, तो वो मिस्टर पार्क से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें स्कूल जाना चाहिए, मेरे पास बहुत कम वक्त है, मैं यहाँ बैठकर उसके आने का इंतजार नहीं कर सकता। अब हालांकि ये रूल के खिलाफ था, लेकिन फिर भी मिस्टर पार्क इसके लिए मान जाते हैं। यहाँ हम एक फोटो भी देखते हैं जिसमें जिन अपने कुछ दोस्तों के साथ था। खैर, अब गैंगसिक जल्दी से जिन के स्कूल पहुँचते हैं और छुट्टी होने का वेट करते हैं। बच्चों को बाहर आते देख वो सोचते हैं कि मेरा बेटा मुझे कैसे पहचानेगा, तो वो हाथ में एक बोर्ड लेकर खड़े हो जाते हैं जिस पर लिखा था कि बेटा, पापा यहाँ पर हैं। अब जिन धीरे धीरे अपने चेहरे को आधा छुपाते हुए वहाँ आता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने पापा से कैसे और क्या बात करेगा।
वहीं गैंगसिक सोचते हैं कि 15 सालों से उसे देखा नहीं, लेकिन मैं आंखें देखकर उसे पहचान सकता हूँ, शायद यही मेरा बेटा है। वो दूर से उसे हाय बोलते हैं और अगले ही सीन में हम उन दोनों को कार में बैठा हुआ देखते हैं। पिता और बेटा दोनों कार में शांत बैठे हुए थे। दोनों में से कोई भी एक दूसरे से बात नहीं करता। सालों बाद मिलने के बाद भी दोनों के पास बात करने के लिए शब्द नहीं थे कि आखिर कहां से शुरू करें, क्या बात करें, और दोनों खुद से ही बात करने लगते हैं। अब अगले ही पल जिन कहता है कि मुझे अब ट्यूशन जाना है, बाद में बात करते हैं, गैंगसिक एकदम से टूट जाते हैं क्योंकि वो सिर्फ एक दिन के लिए यहाँ आए हैं और उनके बेटे को अभी भी ट्यूशन जाना है, लेकिन वो उससे कुछ नहीं कहते। खैर, अब दोनों घर पहुँचते हैं जहाँ जिन अपनी दादी के पास जाता है तो वो कहती है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। मतलब उनकी याददाश्त पूरी तरह से जा चुकी थी, साथ ही वो कोई भी काम खुद से नहीं कर पाती। उनके हर काम में जिन उनकी मदद करता है। अब जिन ट्यूशन जाने के लिए रेडी होने लगता है, लेकिन अभी तक उसने गैंगसिक को पापा कहकर नहीं पुकारा था और गैंगसिक इसी बात को सोचकर मन ही मन बहुत दुखी हो रहे होते हैं। और तभी वहाँ उनकी माँ आती है और गैंगसिक से बातें करने लगती है। गैंगसिक को लगता है कि माँ ठीक हो गई है, लेकिन वो खुद से ही बातें कर रही थी। उन्हें अपने बेटे के बारे में अब कुछ भी याद नहीं था। अब ऐसे ही रात हो जाती है, यानी आधा समय बीत चुका था और अभी तक वो अपने बेटे का चेहरा देखने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाए थे। यहाँ हम देखते हैं कि एक गलती इंसान के जीवन को किस तरह से पूरी तरह बर्बाद कर सकती है। खैर, अब रात को सभी बैठकर खाना खाते हैं जिसे मिस्टर पार्क ने बनाया था। जिन यहाँ बिल्कुल शांत था क्योंकि वो अपने पिता के साथ नहीं खाना चाहता था। तभी गैंगसिक जिनसे बात करना शुरू करते हैं और उसे बताते हैं कि अब वो पूरी तरह से बदल चुके हैं। तभी जिन उनसे पूछता है कि क्या आपको याद है कि आपने कितने लोगों को मारा था। गैंगसिक धीरे से कहते हैं, शायद एक, मुझे अब कुछ भी याद नहीं, मेरी याददाश्त बहुत कमजोर हो गई है। जिन कहता है, मैंने कई बार उनके बारे में पढ़ा था, वो दो लोग थे, और आपको थोड़ा सा भी अंदाजा है कि आपकी इस गलती की वजह से उन लोगों का क्या हुआ। गैंगसिक ये सुनकर बुरी तरह से टूट जाते हैं क्योंकि पिछले 15 सालों से वो हर रोज इसी बारे में सोच रहे थे और खुद को कोस रहे थे, उससे बाहर निकलने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन आज भी उनके बेटे के सामने बैठा हुआ शख्स एक क्रिमिनल है, न कि कोई पिता। तभी जिन कहता है कि आपकी आंखें बहुत डरावनी हैं। ये सुनकर गैंगसिक एकदम से बिखर जाते हैं और वॉशरूम में जाकर फूट फूट कर रोने लगते हैं और खुद से कहते हैं कि क्या मैं इन आंखों को निकाल दूं जिससे मेरे बेटे को इतनी नफरत है। लेकिन कुछ देर बाद वो वापस बाहर आ जाते हैं और जिन की हेल्प करने लगते हैं, तो जिन वहां से चला जाता है। इसके बाद गैंगसिक ऊपर छत पर जाकर एंटीना को ठीक करने लगते हैं जिससे अब नए चैनल भी टीवी पर आने लगते हैं। वहीं जिन को ये सब सिर्फ एक दिखावा लगता है। तभी हमें कुछ बर्ड्स उड़ती हुई दिखाई देती हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी। तभी उनका लीडर कहता है कि कितना मुश्किल होता है मौसम बदलने पर एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, और ये और भी मुश्किल हो जाता है जब आप एक लीडर हो और परिवार आपके साथ हो। लेकिन खुशी की बात यह है कि मेरा बेटा बड़ा हो रहा है और अगले साल से अब वही हमारा लीडर बन जाएगा। यहाँ इस सीन में हमें गैंगसिक और जिन के रिलेशन को दिखाया गया है कि आखिर आज गैंगसिक जेल में नहीं होते तो आज उन दोनों के बीच एक ऐसी ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती। अब रात को मिस्टर पार्क गैंगसिक के साथ थोड़ी थोड़ी ड्रिंक करते हैं तो जिन भी उन्हें ज्वाइन कर लेता है। मिस्टर पार्क उससे पूछते हैं कि तुमने पहले कभी ड्रिंक की है, तो वो कहता है हाँ, बस एक बार अपने बर्थडे पर। तभी मिस्टर पार्क गैंगसिक से जिन का बर्थडे पूछते हैं। गैंगसिक सहम जाते हैं क्योंकि उन्हें अब वो भी याद नहीं था। वो जिन की तरफ देखते हैं तो जिन कहता है कि फादर के बर्थडे से 2 दिन पहले मेरा बर्थडे आता है। फादर शब्द सुनते ही गैंगसिक की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं होता क्योंकि वो कब से इस पल का इंतजार कर रहे थे। लेकिन तभी जिन कहता है कि मैंने फादर कहा, फादर बहुत हैं। गैंगसिक ये सुनकर एकदम शांत हो जाते हैं और फिर सभी सोने चले जाते हैं, जहां गैंगसिक और जिन एक ही कमरे में सोते हैं। गैंगसिक कहते हैं कि क्या मैं लाइट ऑफ कर दूं, तो जिन मन ही मन मना करता है कि कुछ ही पल तो बचे हैं जहां मैं आपको देख सकता हूं। यहां हम समझ पाते हैं कि जिन अपने पिता से नफरत नहीं करता, बल्कि वो खुद समझ नहीं पा रहा था कि वो उनसे कैसे बात करे, इसलिए वो नफरत के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था। कुछ ही देर में दोनों एक दूसरे से बाहर चलने के लिए पूछते हैं और बाहर जाते ही जिन तेजी से दौड़ने लगता है। अब गैंगसिक भी उसके पीछे भागने लगते हैं। वो भागते हुए कहते हैं कि मेरा बेटा बहुत तेज है और वो मुझसे दूर होता जा रहा है, मेरे पास बस यही एक आखिरी दौड़ है उसके पास जाने के लिए। और वो रुकते नहीं, बस तेज और तेज दौड़ने लगते हैं और आखिरकार वो दोनों एक जगह पर आकर रुकते हैं। उन्होंने अपने बेटे को आखिरकार खुद से दूर नहीं जाने दिया। यहाँ गैंगसिक जिनसे कहते हैं कि मुझे डर था कि कहीं तुम डिसेबल ना हो क्योंकि जाने से पहले मैंने तुम्हें बहुत मारा था, मैंने जितनी भी गलतियाँ की थी मैंने उस सब का गुस्सा तुम पर निकाला था, प्लीज मुझे माफ कर दो बेटा।
तभी जिन दूर से अपने पिता को फूट फूट कर रोते हुए देखता है, लेकिन उनकी आंखों में एक भी आंसू नहीं था। जिन कहता है कि काश मैं भी ऐसा कर पाता, मैं भी अपने इमोशंस को छुपा पाता, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और पूरी तरह से टूट जाता है और रोते हुए बोलता है कि आपकी उस मार की वजह से मेरे पैर हमेशा सर्दियों में दर्द करते हैं, लेकिन मैंने कभी दौड़ना नहीं छोड़ा। मैं कमजोर नहीं बनना चाहता था, इसलिए आपने जो मारा है ना उसके लिए ही सही, पर आप अपने मरने तक मुझे हमेशा हर दिन याद करना। और इसी बीच वहाँ बारिश शुरू हो जाती है, जिसके बाद वो दोनों एक टेलीफोन बूथ पर आ जाते हैं और आपस में काफी बातें करने लगते हैं, जिनका कोई मतलब नहीं था। लेकिन अगर वक्त कम हो और मुलाकात आखिरी हो तो बात नहीं बल्कि समय मैटर करता है, जिसे हम बात करते हुए साथ में बिताते हैं। खैर, इसके बाद जिन गैंगसी को अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाने ले जाता है, जहां गैंगसी खुद से कहता है कि मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया है और खुद से उसने सब कुछ कर लिया। तभी वहां जिन की गर्लफ्रेंड आती है। जिन कहता है कि ये मेरे फादर हैं जो यूएसए से आए हैं और कल सुबह वापस चले जाएंगे। खैर, यहां से अब वो दोनों एक पूल पर जाते हैं। यहां नहाते हुए जिन काफी देर तक पानी से बाहर नहीं आता, और जैसे ही गैंगसी अंदर जाते हैं तो वहां जिन उन्हें देखकर पहली बार कहता है कि ये पानी के अंदर जो शख्स हैं, ये मेरे पापा हैं। ये कोई क्रिमिनल नहीं, ये सिर्फ मेरे पापा हैं। यहां अपने पिता के बैक पर बना टाइगर टैटू जिनको बहुत पसंद आता है। इसके बाद वो दोनों वापस घर आ जाते हैं। यहां गैंगसिक की माँ पहली बार उन्हें नाम से बुलाती है। ये सुनकर गैंगसिक उनके पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगते हुए अलविदा कहते हैं, क्योंकि अब उनके वापस जाने का समय आ चुका था। तभी हम एक लड़की को देखते हैं जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। ये जिन की फ्रेंड है जो उनको दूर से देख रही थी। इस लड़की को जिन की गर्लफ्रेंड नहीं समझना, ये कोई और है। लेकिन आखिर ये कौन है और क्यों वो गैंगसिक को देख रही है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। खैर, अब गैंगसिक के जाने के बाद हम उनके घर उनकी बूढ़ी माँ को देखते हैं, जो घंटों बस बैठी ही थी। तभी वो अचानक उठकर कमरे में आती है, जहाँ वो गैंगसिक और अपनी तस्वीर को देखकर अपने दिल से लगाकर जोर जोर से पागलों की तरह रोने लगती हैं। आखिरी पल ही सही, लेकिन उनको याद आ गया था कि उनका बेटा यहाँ आया था और अब वो शायद फिर कभी उनसे नहीं मिल पाएगी। उधर गैंगसिक और जिन पैदल चलते हुए रेलवे स्टेशन की ओर जाते हैं, जहां रास्ते में गैंगसिक बार बार जिन से कुछ न कुछ बात कर रहे थे और मिस्टर पार्क गैंगसिक को अपने बेटे के साथ ऐसे देखकर काफी खुश थे। तभी अचानक जिन धीरे से अपने हाथ को अपने पिता के हाथ से टच करता है, मानो वो महसूस करना चाहता हो कि पिता का होना कैसा होता है। इसी के साथ गैंगसिक शुरुआत के दिनों को याद करते हैं, जब पहली बार उनके बेटे ने उनका हाथ पकड़ा था, और वो सोच सोच कर बुरी तरह से रोने लगते हैं। जिन कहता है, पापा प्लीज मत रोइए, लेकिन गैंगसिक चुप नहीं होते और बस रोते ही रहते हैं। और तभी वो रोते हुए कुछ ऐसा कहते हैं जो शायद हमने कभी नहीं सोचा था। वो कहते हैं, जिन कहाँ है, प्लीज बता दो मेरा बेटा जिन कहाँ है। वहीं दूर से मिस्टर पार्क कहते हैं कि क्या ये पागल हो गया है जो अपने बेटे को ही भूल गया। लेकिन जब जिन ये सुनकर अपने हाथ को गैंगसिक से दूर करता है, तो मिस्टर पार्क समझ जाते हैं कि यहाँ कुछ तो ऐसा है जो सिर्फ यही दोनों समझ रहे हैं। और यहाँ एक बहुत ही बड़ी सच्चाई हमारे सामने आती है, जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जिन को, जो किसी की अस्थियों को बहा रहा होता है, और ये अस्थियाँ किसी और की नहीं बल्कि असली जिन की थी। ये जिन जिसको हमने शुरुआत से लेकर अब तक देखा है, वो असल में असली जिन है ही नहीं, वो तो जिनका बेस्ट फ्रेंड दुयुन है। यहाँ हमें पता चलता है कि जो असली जिन था, वो अपने पिता से बहुत ज्यादा प्यार करता था, क्योंकि वो हमेशा उसको खत भेजते थे। वो उसकी माँ की तरह नहीं थे, जिन्होंने कभी उसकी तरफ मुड़कर नहीं देखा, और उसी ने दुयुन को अपने पिता के बारे में सब कुछ बताया था, क्योंकि उन दोनों की दोस्ती दो भाइयों की तरह थी। यहाँ हमें पता चलता है कि जो लड़की उस दिन दूर से गैंगसिक को देख रही थी, वो असली जिन की गर्लफ्रेंड थी। साथ ही जिनका सिर्फ एक ही सपना था कि जब वो 18 साल का हो जाएगा तो अपने पिता से मिल पाएगा। दुयुन गैंगसिक को बताता है कि एक दिन जब जिन और मैं दोनों स्कूल जा रहे थे, तभी अचानक जिन बेहोश हो गया। हॉस्पिटल जाने पर हमें पता चला कि जिन को कैंसर है और वो ज्यादा दिन सरवाइव नहीं कर पाएगा। ये जानने के बाद जिन को सबसे ज्यादा चिंता अपनी दादी की हुई, और तभी से दुयुन घर जाकर अक्सर उनकी मदद करने लगा था। और जब जिन की मृत्यु नजदीक आ रही थी, तो उसने दुयुन से कहा कि मरने से पहले मैं एक बार अपने पिता से मिलना चाहता हूँ, उनको देखना चाहता हूँ। इसके बाद जिन, उसकी गर्लफ्रेंड और दुयुन तीनों जिन के पिता से मिलने निकल पड़ते हैं। रास्ते में जिन कहता है कि मैं अच्छा तो लग रहा हूँ ना, पापा मुझे पसंद तो करेंगे ना, वो पहचान तो लेंगे ना मुझे। दुयुन बोलता है, जरूर पहचान लेंगे, तुम ही तो इतने स्मार्ट लग रहे हो। और कुछ देर बाद जिन रास्ते में ही बेहोश हो जाता है, और फिर वो कभी नहीं उठता, क्योंकि उसका बुलावा अब आ चुका था। यहाँ वो दोनों पागलों की तरह जिन के लिए रोने लगते हैं और बुरी तरह से टूट जाते हैं।
लेकिन इसके बाद दुयुन और जिनकी गर्लफ्रेंड ने एक एक करके दादी का ख्याल रखना शुरू किया और इस समय उनके बाकी दोस्त भी हेल्प करते हैं। और इसी बीच उन्हें एक लेटर आता है कि जिनके पिता एक दिन के लिए आ रहे हैं। ये जानने के बाद उन्होंने सभी चीजों को ऐसे रख दिया जैसे जिन अभी भी वहीं रहता हो। उसने जिनकी वो सारी बातें याद की जो वो अक्सर उससे कहा करता था, ताकि उसके पिता दुयुन को पहचान न सके। और दुयुन के पास जिनकी निशानी के तौर पर सिर्फ उसका बैच है जिस पर उसका नाम लिखा हुआ है। अब ये सारी बातें जानने के बाद गैंगसिक एकदम से बिखर जाते हैं। वो शख्स जो उनके सामने था, जिसके साथ उन्होंने एक दिन बिताया, वो तो उनका बेटा था ही नहीं। उनका असली बेटा तो दुनिया से जा चुका था, उन्होंने आने में देर कर दी थी। दुयुन उनसे बार बार झूठ बोलने के लिए माफी मांगता है, लेकिन गैंगसिक को पता था कि इसमें दुयुन की कोई गलती नहीं है। वो सिर्फ खुद को कोस रहे थे कि उनके बेटे ने इतने सालों में क्या कुछ झेला था, उसका जीवन कितना मुश्किल था, और दुख इस बात का था कि वो उसको कभी देख नहीं पाए और ना ही अब देख पाएंगे। यहाँ हमें एक बात और पता चलती है कि आखिर गैंगसिक ने ये कैसे पहचाना कि वो असली जिन नहीं है। दरअसल उनका बेटा लेफ्ट हैंडेड था, लेकिन दुयुन ने जब उनको राइट हैंड से टच किया तो उनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी हुई कि नहीं, ये मेरा बेटा नहीं हो सकता, ये वो नहीं है, ये जरूर कोई और है। पीछे खड़े मिस्टर पार्क भी ये सब जानकर इमोशनल हो जाते हैं और तभी जाने का समय हो जाता है और वो दोनों अलग हो जाते हैं। अब वापस आकर ऑफिसर्स गैंगसिक से पूछते हैं कि बेटे से सालों बाद मिलकर कैसा लगा। गैंगसिक कहते हैं, बहुत अच्छा, वो अब बहुत बड़ा हो गया है, बिल्कुल मेरे जितना। इसके बाद गैंगसिक अपने सेल में चले जाते हैं और वहाँ हर रोज अपने बेटे को याद करते हैं। तभी महीने भर बाद उनके पास खबर आती है कि उनका बेटा उनसे मिलने आया है। तभी दुयुन को देखकर वो बहुत खुश होते हैं और वो दोनों आपस में काफी बातें भी करते हैं। यहाँ उन्हें एक बात की खुशी थी कि दुयुन के रूप में उन्हें अपना खोया हुआ बेटा मिल गया था। और इसी के साथ इस दिल छू लेने वाली कहानी का होता है दी एंड। दोस्तों, ये कहानी शुरुआत में जितनी सिंपल थी, एक ट्विस्ट के बाद उतनी ही दिल को हिट कर देती है। मेरे पास इस मूवी के लिए सच में शब्द नहीं है। खैर, आप कमेंट करके हमें इसके बारे में जरूर बता सकते हैं। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही शानदार कहानी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।